विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बेतिहाता स्थित क्लिनिक से डॉक्टर नदीम अरशद के नेतृत्व में रैली निकालकर आम जन को तंबाकू से होने वाले हानिकारक बीमारियों को लेकर जागरूक किया गया और उनसे अपील किया गया कि वह तंबाकू का सेवन ना करें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया, इसका उद्देश्य है तंबाकू से होने वाली जो बीमारियां हैं उसके प्रभाव के बारे में बताना है, क्योंकि तंबाकू से के सेवन से तरह तरह की बीमारियां होती हैं और ये जैसे हृदय रोग हुआ, स्ट्रोक हुआ, लंग कैंसर हुआ, इसोफेगस कैंसर हुआ, फेफड़े का कैंसर हुआ, मुंह का कैंसर हुआ। खासकर पूर्वांचल में गुटखा बड़ा खाया जाता है, तंबाकू का सेवन गुटखे के रूप में बहुत किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत लोगों का मुंह नहीं खुलता है, उसको कहते हैं म्यूकस फाइब्रोसिस, समझ गए। तो तंबाकू के सेवन से मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, हृदय रोग, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और डायबिटीज, इस तरह की बीमारी होती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसके बारे में जागरूकता पैदा करना कि तंबाकू से जो बीमारियां होती हैं उसको कैसे बचा जाए और कैसे उसका जो है सही रहा जाए। और इसका सिर्फ मनुष्य पर नहीं बल्कि एनवायरनमेंट यानी पर भी, पर्यावरण पर भी इसका असर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए हर साल WHO एक थीम के साथ विश्व नो टोबैको डे मनाता है। इस साल का थीम है